नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं thelallantop.com। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर को हरियाणा में थे। उन्हें रोहतक में 64 फीट ऊंची एक प्रतिमा का अनावरण करना था। ये प्रतिमा छोटू राम की थी, जो पिछले 9 महीने से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही थी। छोटू राम के वारिस चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 2016 में ऐलान किया था कि वो छोटू राम के 64 फीट ऊंची प्रतिमा बनाएंगे और उसका अनावरण पीएम मोदी के हाथों करवाएंगे। अब मूर्ति तैयार हो गई, लेकिन उस पर पॉलिथीन लपेट दिया गया, फिर भी प्रधानमंत्री नहीं आए। अब प्रधानमंत्री नहीं आए तो अनावरण भी नहीं हुआ और मूर्ति को स्कूल में रख दिया गया। हरियाणा के सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी इंडियन नेशनल लोकदल ने छोटू राम के नाम पर खूब राजनीति की। हरियाणा बनने के साथ ही हर चुनाव में छोटू राम का नाम सामने आता रहा, लेकिन इस बार बाजी बीजेपी के हाथ में लगी है। तो आखिर कौन है ये छोटू राम जो हर चुनाव में चर्चा का विषय बने रहते हैं, जिनकी वजह से बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच तलवारें खींची रहती हैं और जिनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतक पहुंचे थे। इसको जानने के लिए अगर आप कभी हरियाणा जाइए तो वहां के किसानों से पूछिए कि कौन था वो आदमी जो कहता था, ऐ भोले किसान मेरी दो बात मान ले, एक बोलना सीख और एक दुश्मन को पहचान ले। आपको पूरे हरियाणा में इसका एक ही जवाब मिलेगा, छोटू राम। एक किसान नेता, एक सफल वकील, एक सफल पत्रकार, एक स्वतंत्रता सेनानी और एक सफल राजनेता। कम शब्दों में कहा जाए तो ये थे छोटू राम। एक आदमी की अलग अलग शख्सियतें, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने किसानों को उनकी पहचान दिलाई, जिसने किसानों की गिरवी जमीन को छुड़वाया और जिसने भारत में मोरों को मारने पर रोक लगवाई और पंजाब को उसका सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध दिया। इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साहूकार ने पिता की बेइज्जती की और उनका छोटा बेटा बन गया नेता। रोहतक जिले में एक गाँव है जिसका नाम है सांपला। इसी गांव में जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सुखी राम के सबसे छोटे बेटे थे रिक्षपाल। घर में सबसे छोटे थे तो घर के लोग उन्हें छोटू बुलाने लगे और जब स्कूल में पढ़ने की बारी आई तब भी इनका नाम छोटू ही रहा और इस तरह से रिक्षपाल छोटू राम हो गए। छोटू राम के पिता सुखी राम को विरासत में मिली थी 10 बीघे की बंजर जमीन। इस पर खेती नहीं हो पाती थी। परिवार चलाने के लिए सुखी राम को कर्ज लेना पड़ा और इतना कर्ज लिया कि वो बुरी तरह से दुखी हो गए। एक दिन उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी तो वो अपने बेटे छोटू राम के साथ एक साहूकार के पास गए। साहूकार ने पैसे नहीं दिए और उल्टे सुखी राम की बेइज्जती कर दी। इसके बाद सुखी राम तो उदास मन से घर लौट आए, लेकिन छोटू राम ने विरोध करने का मन बना लिया और यहीं से शुरू हुआ छोटू राम का क्रांतिकारी सफर। झज्जर में शुरुआती पढ़ाई के बाद छोटू राम दिल्ली के क्रिश्चियन मिशन स्कूल में आ गए। यहाँ पर फीस ज़्यादा थी और हॉस्टल में दिक्कतें थी। इसके विरोध में छोटू राम ने पहली हड़ताल शुरू की, जिसके बाद स्कूल के बच्चे और स्टाफ उन्हें जनरल रॉबर्ट के नाम से पुकारने लगे। छोटू राम सिर्फ किसान नेता ही नहीं थे, उन्होंने पत्रकारिता की, वकालत की और उसके बाद नेता बने, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें देश निकालने का आदेश दे दिया था। 1905 में सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन करने के बाद छोटू राम पत्रकार बन गए, वकालत की डिग्री ली और उसके बाद छोटू राम ने झज्जर में जाट सभा बनाई। 1915 में छोटू राम ने एक बार फिर से पत्रकारिता शुरू की और इस बार छोटू राम ने खुद का अखबार निकाला, जिसका नाम रखा जाट गजट। ये अखबार अब भी निकलता है और इसे हरियाणा का सबसे पुराना अखबार माना जाता है। इस अखबार के जरिए छोटू राम ने अंग्रेजों की मुखालफत शुरू की। इसकी वजह से अंग्रेजी सरकार ने छोटू राम को देश निकालने का फरमान दिया, लेकिन जब पंजाब सरकार ने अंग्रेजी सरकार का फैसला सुना तो उसने कहा कि अगर छोटू राम को देश निकाला दिया जाता है तो पूरे पंजाब में दंगे हो जाएंगे, आंदोलन हो जाएगा और अंग्रेजी सरकार को इससे ज़्यादा परेशानी होगी। बाद में अंग्रेजी सरकार ने फैसला वापस ले लिया। तो छोटू राम इस तरह से पंजाब में रह गए, लेकिन 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों को और भी सैनिकों की जरूरत थी। इसके लिए छोटू राम ने अंग्रेजी सेना में रोहतक के करीब 22,000 लोगों को भर्ती करवाया। इसके बाद वो 1916 में कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने ही रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन किया, लेकिन 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद छोटू राम गांधी से नाराज हो गए और कांग्रेस से अलग हो गए। धीरे धीरे करके वो पंजाब में अपनी राजनीति करते रहे और 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बाद विकास मंत्री बने। इसकी वजह से उन्हें पंजाब में लोग दीन बंधु के नाम से जानने लगे। किसानों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले, भाई भतीजावाद से दूर और राव बहादुर की उपाधि के सम्मानित छोटू राम को बतौर राजस्व मंत्री जितनी भी तनख्वाह मिलती थी उसका बड़ा हिस्सा वो रोहतक के स्कूल को दान कर दिया करते थे। अब बात किसानों के लिए किए गए काम की। छोटू राम ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। उनके इन कामों को अब भी किसानों के लिए मील का पत्थर माना जा सकता है। जैसे कर्जा माफी एक्ट 1934, जो 8 अप्रैल 1935 को लागू हुआ। इसके तहत अगर कर्ज के पैसे का दोगुना पैसा चुका दिया जाता था तो कर्ज को माफ कर दिया जाता था। कर्ज न चुकाने की स्थिति में जो पशुओं की नीलामी की जाती थी उस पर भी इस एक्ट की वजह से
रोक लग गई। इसके अलावा साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938 2 सितंबर 1938 को लागू हुआ। इसके तहत कोई भी साहूकार बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी कर्ज नहीं दे सकता था और न ही अपने कर्ज की वापसी के लिए कोर्ट में केस दाखिल कर सकता था। छोटू राम का इससे बड़ा काम था गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938, जिसे 9 सितंबर 1938 को लागू किया गया। इस कानून के तहत 8 जून 1901 के बाद कुर्क हुई जमीनों को किसानों को वापस दिलवा दिया गया। इसके अलावा छोटू राम ने किसानों के लिए जो सबसे बड़ा काम किया था वो था कृषि उत्पाद मंडी एक्ट 1938। यह एक्ट 5 मई 1939 को लागू हुआ था। छोटू राम ने मार्केट कमेटियों को बनाया, जिसकी वजह से किसानों को उनकी फसल का अच्छा पैसा मिलने लगा और आढ़तियों के शोषण से मुक्ति मिल गई। इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए, इसकी शुरुआत भी छोटू राम ने की थी और उन्होंने व्यवसाय श्रमिक एक्ट 1940 बनवाया था। यह एक्ट 11 जून 1940 को लागू हुआ था। इस कानून के तहत मजदूरों को सप्ताह में 61 घंटे और एक दिन में 11 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता था। इसके अलावा पूरे साल में मजदूरों को कम से कम 14 छुट्टियां मिलनी थी और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी नहीं कराए जाने का भी नियम बना था। अब आप जानते हैं कि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो उनके लोग मोर का शिकार करते थे, लेकिन छोटू राम की वजह से भारत में मोर मारने पर प्रतिबंध लग गया। उस वक्त गुड़गांव जिले के अंग्रेजी डिप्टी कमिश्नर कर्नल इलियस्टर मोर शिकार करते थे। लोगों ने विरोध भी किया, खूब विरोध किया, लेकिन कर्नल इलियस्टर नहीं माने। लोगों ने इसकी शिकायत छोटू राम से की और फिर छोटू राम ने अपने अखबार में इसके खिलाफ खूब लिखा। इतना लिखा कि कर्नल इलियस्टर ने माफ़ी मांग ली और उसके बाद से भारत में मोरों की हत्या पर रोक लग गई। और एक वक्त ऐसा भी आया जब छोटू राम पर अंग्रेज खुश हो गए और उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध बना दिया। अंग्रेजों के छोटू राम पर खुश होने की दो वजहें थीं। एक वजह पहला विश्वयुद्ध और दूसरी वजह दूसरा विश्वयुद्ध। पहले विश्वयुद्ध और दूसरे विश्वयुद्ध दोनों में छोटू राम के कहने पर हजारों लोग अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए। इसकी वजह से अंग्रेजों को लड़ाई में जीत भी मिली थी, लेकिन जब दूसरा विश्वयुद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने छोटू राम की तारीफ की और उनसे कहा कि आप पंजाब के लिए जो चाहते हैं वो मांग लीजिए। छोटू राम ने कहा कि उन्हें हरियाणा के लोगों के लिए सतलुज नदी पर बांध चाहिए, लेकिन इसमें एक अड़चन थी। अड़चन ये थी कि सतलुज के पानी पर बिलासपुर के राजा का कब्जा था। छोटू राम ने राजा से बात की और फिर 1944 में इस परियोजना को मंजूरी मिल गई। लेकिन 1946 में जब तक ये परियोजना शुरू हो पाती, 9 जनवरी 1945 को छोटू राम का देहांत हो गया। अब इन छोटू राम की 64 फीट ऊंची मूर्ति बन गई है, जिसका सियासतदान अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तब तक आप देखते रहिए thelallantop.com। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। अगर वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करिए। शुक्रिया।